नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आपके सामने लेके आया हूं कुछ टेक्नोलॉजी से फैक्ट्स। जैसे कि आपको पता है, बहुत दिनों से फैक्ट्स नहीं बनाए मैंने। लोग बोल रहे थे सर फैक्ट्स बताओ, बड़ा मजा आता है सुनने में। तो ये रहे आपके सामने टेक्नोलॉजी के कुछ फैक्ट्स। क्या आपको पता है दुनिया भर में 1000 कंप्यूटर में से 9 कंप्यूटर स्पायवेयर से इन्फेक्टेड है। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो 1000 कंप्यूटर्स में 9 कंप्यूटर्स तो तय है कि वो स्पायवेयर से ग्रसित है। दुनिया का सबसे पहला सेलफोन वायरस था कैबिर ए, CABIRA, जो कि 2004 में पाया गया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन दुनिया की जो पहली अलार्म क्लॉक थी जो सिर्फ 4 बजे ही बजती थी, वो एक इंसान के लिए बनी थी, वो 4 बजे उठता था, उसके लिए बनी थी। उसके बाद एक मैनुअली सेट करने वाली अलार्म, जो कभी भी टाइम सेट करके वो अलार्म सेट कर सकते हैं, वो 60 साल बाद बनी। इतना लेट लोग कर क्या रहे थे? ऑब्वियसली सो रहे होंगे। अलास्का एक ऐसे स्टेट का नाम है जिसे आप कीबोर्ड में एक ही लाइन में टाइप कर सकते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसे आप क्वालिटी के बाद एक ही लाइन में झटझट खटाखट टाइप कर सकते। YouTube, Facebook, Twitter, Gmail, Instagram, Skype, Dropbox, ये सारी चीजें चाइना ने बैन कर रखी हैं। अभी पता नहीं बैन कर रखी हैं, बंद कर रखी हैं, चला रखी हैं। लेकिन YouTube पर चाइनीज कुछ रायट्स हुए थे वो दिखा दिए गए थे। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स पर, Skype पे भी बहुत सारी चीजें ऐसे शेयर हो गई थी जिसकी वजह से चाइना की जो सरकार है उनको गुस्सा आ गया। आपको तो पता ही कि Google वहां पर ऑलरेडी बैन कर दिया था सरकार ने, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि वो रायट्स वगैरह और कहीं पर फैले और पूरे चाइना में एग्रेशन का माहौल हो जाए। मैं आपको बता दूं कि चाइना के पास खुद का Google है। जी नहीं, खुद का Google उस तरीके से नहीं, लेकिन खुद के सर्च इंजन हैं, खुद के ब्राउजर्स हैं, खुद के मैसेजिंग ऐप्स हैं। वो लोग खुद की बनाई हुई चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके ज्यादा वो पसंद आती होगी चाइनी चाइनी चीनी चीनी भाई भाई। लेकिन वो बैन कर दिए गए थे। इंडिया में भी इंटरनेट कनेक्शन बैन कर दिया जाता है जब जहां पर राइट्स वगैरह हो जाते हैं, यहां पर ऐसी आशंका होती है कि कोई पंगे वाली चीज फैला दी जाएगी, तो ऐसे में वहां पर बंद हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी हम मेनली एप्लीकेशन वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी हम वेबसाइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो चाइना में काम ही नहीं करती। पता नहीं वो लोग क्या चलाते होंगे। फिर चाइना में सिर्फ 45% लोग, 45.8% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली कंट्री में सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है। तो फिर ये लोग यार क्या, अरे मैं बताऊं क्या है इसके पीछे? पॉपुलेशन। इतनी जनसंख्या, बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग हैं। मेरी इस बात पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, लेकिन है बिल्कुल सच। लियोनार्डो द विंसी ने सन 1500 में ही रोबोट के स्केच बना दिए थे। उस जमाने में रोबोट्स के बारे में क्या, कंप्यूटर के बारे में क्या, किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे लोग। लेकिन उस जमाने में लियोनार्डो द विंसी ने रोबोट के स्केच बना दिए थे। लियोनार्डो द विंसी बहुत अच्छे कलाकार थे और उनके बारे में आपको बहुत जानना चाहिए। साइंस में भी उनकी बहुत रुचि थी, आप गूगल पर उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप बनाने वाले जैन कॉम ने 2009 में फेसबुक के लिए जॉब के लिए अप्लाई की थी और उनको धक्के मार के भगा दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में उन्हीं की बनाई हुई चीज व्हाट्सएप फेसबुक ने खरीद ली, तो शायद उनको दिल पे लग गई होगी बात। और मैं आपको बता दूं, जैन कॉम बहुत ही गरीब परिवार से आए हैं और उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती थी। वो यूक्रेन से यहाँ पर यूएस में आए थे, काफी बुरी परिस्थितियों का सामना किया और उन्होंने वो कर दिखाया कि फेसबुक जो कभी नहीं करवाया। तो दोस्तों, ये थे कुछ टेक्नोलॉजी के मजेदार फैक्ट। आई होप आपको मजा आया होगा। बीच बीच में ऐसे फैक्ट्स लेकर आता रहता हूँ जहां पर मैं बोरिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो को साइड में रखकर आपको कुछ इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट वाली चीजें देता हूँ, जिसके आपको सीखने को भी मिले और आपको मजा भी आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।